हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अरे ये तुम्हारा डिलीवरी बॉय पुलिया पे खड़ा है, हमारा सामान लेके घर क्यों नहीं आ रहा? अरे तो तुम हुई जमीन पे क्यों खिचड़ रहे हो, तुम चले जाओ पुलिया तक। अजय कमाल बात हो गई, हम पुलिया पे क्यों जाएंगे भाई? तो वो तुम्हारे घर क्यों आएगा? अरे उसको हमको ऑर्डर देना है, खुरंड आदमी। तो तुम इसलिए जाओगे क्योंकि तुमको ऑर्डर लेना है। अरे अरे तेरा काम का है भाई, तुमको सेटिस्फाई करने का काम है हमारा सर। तो फिर समझ ले कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तो आपका जा रहा तुमको सेटिस्फाई करने के लिए, ना भी चाट ले तुम्हारी। तेरे बस की ना है, तू बड़े अधिकारी से बात करा हमारी। वो तुमसे बात नहीं कर सकते। अरे क्यों? उनके पिछवाड़े पे दाना निकल आया। अरे तो आज मुंह से बात कर ले, पिछवाड़े से ना करे। तुमसे बात करने को कई बार चाहिए। अरे उसको बोलो कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। वो किसी और से बात कर रहे हैं सर, इस टाइम आपसे बात नहीं कर सकते। क्यों, किससे बात कर रहे हैं? अरे रशियन बुक करा रहा है अपने लिए, तुमको मतलब है इससे? अरे एक रशियन हमारे डिलीवरी एड्रेस पे भेज देना। अरे का फायदा, तुम्हारे घर तो जाएगी नहीं वो। उसके लिए तो हम पुलिया पे चले जाएंगे। ये आदमी कितना गिर गया है। नमस्कार सर, सर स्वागत है आपका 27 स्टार होटल में। 27 स्टार? अरे हमारे मालिक ब्रह्मांड में रहते थे, गैलेक्सी में, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। अच्छा फिर? फिर क्या, फिर रंडीबाजी में पड़ गए, निकाल के फेंक दिया। तो जब जमीन पर आ रहे थे मालिक, तो उनके पैरों में जो था 28 तारे हिलक गए, उलझ के नीचे आ गए। पर ये तो 27 से एक तारा कहाँ गया? वो एक तारा आप है भाभी जी। झूठ मत बोलो, मैं तो गोरी भी ना हूँ। कुछ तारे अंधेरे का प्रतीक होते हैं भाभी जी। सुलगे भी है ये, जैसे तू चांद कह रहा है, सूरज जड़ा था तो बनी थी। अच्छा एक रात का किराया कितना, ये बता दे तू मुझे। ओनली 8,000 रुपए सर। 8,000 रुपए? तू भी मेरे साथ में लेटेगा? कैसी बदतमीजी बात कर रहे हो तुम, मैं इनके साथ लेट जाऊंगा। चल रही उठ जा, अब यहाँ रूम ना लेंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे हम। अरे भाभी जी, अगर तुम्हें फुटपाथ पर नींद ना आवे तो मेरा रूम यहीं पास में ही है, तुम मेरे साथ चलियो। एक बात बोलूं अगर आप मान जाए तो? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी भाभी जी, हम दोनों को अपने रूम में ले चलो। भेज दिया वो तो मैंने, मैं खुद तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। हेलो नमस्कार, मैं जैब बात कर रहा हूँ सर, आपके लिए एक पॉलिसी, आप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं सर? अरे सुनीता, पॉलिसी बेच रहा है, ये चाहिए तुमको? अरे ताजी है तो ले लो। अरे ताजी है भाई साहब? अरे बुद्धिहीन आदमी, सब्जी नहीं बेच रहे हम, पॉलिसी बेच रहे हैं, बीमा कराना है तुमको? अरे सुनीता, बीमे वाला दलाल है। कितने रुपए का बीमा है सर? 12 लाख रुपए का बीमा है सर। और एक बात, दलाल लेंगे हम? ना दलाल तो हो तुम सर, पहले ये बताओ ये 12 लाख कब मिलेगा हमको पैसा? आपको नहीं मिलेगा सर, जब आप मर जाएंगे तो आपकी बीबी को ये पैसा मिलेगा। अरे मेरा भाई धीरे बोल, मन्ना ये हमारा बीमा करा के अभी गला दाब देगी हमारा। अरे नहीं सर, बीबी है आपकी, ऐसा नहीं कर सकती सर। अरे इसी बहम में हमने अपनी अम्मा मरवा ली। अरे वो कैसे? अरे अपनी जगह पर सुला के चले गए थे उनको। ए जी हम पे इल्जाम ना लगाना, हम तो उनके पैर दबाने गए थे। फिर मर कैसे गई वो? चालाकी में उल्टा लेटा के चले गए उनको। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से। अरे मेरी बात सुन ले तू, ज्यादा चकचक मत कर। चाचा थोड़ा आराम से बनना, बॉडी के किसी और छेद से तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी। अरे सोनू की मोबाइल की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ और 5G का मोबाइल ले रहे हो, 5G का। अरे मोबाइल ले रहे हो तो तुम हमको फोन क्यों कर रहे हो यार, हम तो फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। अरे 5G का फोन भी तेरे सिम के चक्कर में लेना पड़ गया, 4G का नेट तो ऐसे कर दिया तुमने जैसे बुड्ढे की याददाश्त हो, कभी आ रही है तो कभी जा रही है। अब तो आप 5G का फोन ले रहे हैं ना, अब क्यों फोन लगाया तुमने मुझे? इसलिए कि ये 5G मोबाइल एक आध महीना चला ले, 6G लॉन्च कर दो तुम। अरे क्या जैसे ही 6G लॉन्च होगा, जब 5G भी उल्टी सीधी डकारा मारने लगेगा। अरे नेटवर्क इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होता यार, कोई बच्चा थोड़ी 9 महीने में नया बना देंगे, कम से कम 2030 के बाद 6G लॉन्च होगा सर। अरे सुसरे 2026 में तो दुनिया खत्म है। क्या लो देख लो, तुम्हारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है लो देख। अरे ये क्या है भाई? अरे तुम मुझे पहले बता देते, अंधे हो, भाभी जी को दिखा दो। अरे अंधा नहीं हूँ, ये फेल कैसे हो गया? काले पेन से आंसर लिख दिए इसने, इसलिए फेल कर दिया हमने। आए? अरे आए क्या कर रहे हो यार, इसके दिमाग में कुछ है, ले बेटा सन्नाटा पड़ा, इसने कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में। फिर एक सब्जेक्ट में सर कैसे 10 नंबर आ गए? उसमें तो इसने 200 का नोट रख दिया था। क्या? कुछ भी कुछ नहीं भाभी जी। सर प्लीज बता दो, हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? तुम मेरी मानो सर तो हॉस्पिटल बनवाओ। सच में सर डॉक्टर बन सकता है ये? अरे डॉक्टर बना मत दियो ना, जो उल्टा बच्चा खींच लेगा किसी औरत के पेट में से। तो हॉस्पिटल का क्या होगा? खोपड़ी पर डंडा मार के ना और अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लो जिंदगी भर के। अजी पापा क्या कह रही है? अजी पापा कर रहे हैं तेरी साले पेन घूत दूंगा। सर प्लीज मैं अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देती हूँ सर, आप बताइए क्या कर सकते। अरे तुम अपने आप पे ध्यान दो यार भाभी जी, तुम्हारी आंखें गड्ढे में जा रही है, टेंथ में इतनी गोरी चिट्टी हो, तुम अपने आप पे ध्यान दो, छोड़ो। फिर इसका क्या होगा सर? इसे तो मैं मरवा दूंगा। अजय पापा, अजय बच्चा ना मार देना मेरा, मैं पुलिस बुला रहा हूँ, दोनों को अंदर कराऊंगा, अपनी बीबी को भी। इन्हें भी जेल कराओगे? हाँ इसे भी। तो फोन में लगा रहा हूँ पुलिस को, मेरे मोबाइल आ गया, मैं खुद लगा लूंगा। अभी बुला लो पुलिस सर, कहाँ बात। अजय मैं बुला लूंगा, अभी बुला लो भाभी जी, चलो अपने चलने।
हेलो नमस्कार सर, मेरी बात जमील जी से हो रही है? हाँ जमील बोलना है, थोड़ा जल्दी बताओ क्या काम है। अरे यमराज तुम्हारे पास में खड़े होगा, आत्मा मांग रहे हैं तुम्हारी, जो जल्दी करें। लोन डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, तुमने लोन लिया हमारी कंपनी से, पैसा दोगे कि नहीं दोगे लोन का? अरे यहाँ 7 दिन हो गए, धाई टट्टी धाई दस्त धाई टट्टी धाई दस्त, तुमको पैसे की पड़ी है? अगर इस कंडीशन में कंपनी ने तुम्हारे खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया तो टट्टी इतनी पतली हो जाएगी कि चूतड़ों के बीच से पीला पिसाब मूतोगे तुम। अब तुम ये समझो कि तुम्हारा पैसा खा गए हम, तुमको बात करने की तमीज नहीं है। जिस हिसाब से तुमको टट्टी आ रही, तुमको पैसा हजमे नहीं होगा, बल्कि सुबह सुबह तुम टॉयलेट में सिक्के हागोगे और जगह अलग से होगा। अरे यहाँ आदमी बीमार पड़ा है, तुमको पैसे की पड़ी है, आदमी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे ब्याह करके लाए हम तुमको, न तुम्हारे नाम का सिंदूर है हमारी मांग में, जो तुम्हारी फिक्र होगी। अजी एक मिनट रुको, हमको, अरे सोनू हमको प्रेशर आ रहा है, टॉयलेट तक ले चलो। अरे चाचा हमारी टांगे जवाब दे गई, तुम एक काम करो हमारी नाक में मूंद के मुंह में हक दो। अरे सोनू तुम एक काम करो, इनके टांगे लगवा दो। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तुम्हारे डिलीवरी बॉय की टांग है, तोड़ दूंगा, जूता रिटर्न कराया, ये लेने क्यों नहीं आ रहा है? अरे कब करा था तुमने जूता रिटर्न? चौथा घंटा लग गया। तेरा खालू काम कर रहा है या डिलीवरी बॉय की जूता रिटर्न करेगा और छठ से उठा के ले जाएगा? अरे हमारा खालू हराम खाऊ है, उससे क्या लेना देना, लेकिन हमारा जूता अभी उठवाओ तो। तो तुम एक काम करो ना, छत पर चढ़ो, थैली में डालो जूता, छेचे छेचे करके फेंक दो। कौन पकड़ेगा? जी हम पकड़ेंगे। तुम हो कहाँ? चील में बैठ के उड़ रहे तुम्हारी छत पर। अरे आदमी अगर जिंदगी में तुम्हें ना दो ऑप्शन मिले, पहला कॉल सेंटर की जॉब, दूसरा नुकीली शरिया, इस पे बैठ जाना, इसका दर्द तो 1-8 महीने में चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये तुम्हारी मारेंगे ना, इसका दर्द तुम्हारी जिंदगी भर में देख। हेलो, अरे सर पैंट कमर में ढीली है, का करे? तो तुम कहा जा रहा हो, तुम्हारी कमर चौड़ी कर दे। अरे नहीं सर, जब तक हम पैंट पकड़ के खड़े हैं जब तक तो रुकिए, जैसे ही छोड़ रहा है नीचे गिर जा रही है, तुम रिटर्न कर लो इसको। तुम्हें काम करो, तुम अपना पेटीएम नंबर दो, हम उसके 100 का नोट फेंक रहा है, रोज सुबह शाम दोपहर दूध के साथ केले खाओ, कमर चौड़ी करो, रिटर्न नहीं होगा। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बस तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं मेरा भाई, ये होल्ड पे डाल के काल ना गाना ना लगा देना। अरे डीजे का काम थोड़ी है हमारा, जो कॉल होल्ड पे लगा के तुम्हें गाने सुनाएंगे यार, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर हम। अरे तुम दुनिया के वो एक लौते आदमी हो जिसे कहीं जॉब नहीं मिली, तो तुमने कॉल सेंटर में मराई, तुम क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? अरे ये नौकरी नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है हम? अरे इसको नौकरी नहीं बोलते, इसको शराब बोलते हैं, तुमने किसी के साथ पिछले जन्म में बुरा करा होगा, उसके कर्म भुगत रहे हो तुम। आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुमको बताया नहीं किसी ने? क्या तुम्हारा पिराइम काम यही है कि तुम बकवास सुनोगे हमारी, एक गाली दे दे बुरा ना मानो। अरे तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ हमको ना, हम फोन काट रहे हैं। अजय फोन ना काटना, वो जो अमिताभ बच्चन बोलता है वो रिंगटोन बदल के दूसरी लगा दो। बदल के कौन सी रिंगटोन लगा दे? ये लगाओ। अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, अरे बीमारी के कोई इंजेक्शन ढुकवाओ लोगों के। एल्विश भाई हेलो नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी और अभी तक नहीं आई है सर। कब ऑर्डर की थी मैम आपने? 3 घंटे हो गए सर। अरे तो एरोप्लेन पे बैठ के थोड़ी डिलीवरी कर रहा हमारा डिलीवरी मैन की झट 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 झट, तुम इधर ऑर्डर करोगे और ड्रेस तुम्हारे सामने पड़ी होगी। एक्चुअली मेरे को पार्टी में जाना है सर। ठीक है डिलीवरी बॉय के साथ जाओगी जो तुम उसे पुकार रही हो? सर मेरे पास एक्चुअली में सारी ड्रेस शॉर्ट है और मैंने वैक्सिंग भी नहीं कराई है। पहले आप प्रॉब्लम क्लियर करो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बॉडी पे अनवांटेड हेयर। तुम आज के टाइम पे भी वैक्सिंग करा रही हो हेयर रिमूव करने के लिए? हाँ। आप अर्बन योग बारे में बिल्कुल नहीं जानती क्या? नहीं। अरे मैम बस इसको ऑर्डर कीजिए आप, बस निकालो स्प्रे करो और 5 मिनट में सारे अनवांटेड हेयर गायब। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे उस लौंडिया से बात करा हमारी जो हमको 20 दिन से फोन कर रही है। अरे कौन सी लौंडिया ने तुम्हें फोन करा है? अरे रमेशा वो लौंडिया हमारे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हूँ, खाना खा रहा है तो रिचार्ज करा लो, टॉयलेट में बैठे उधर प्रेशर नहीं आ रहा, चौथी भीड़ी पे नंबर लग गया, अब वो फोन करके कह दी चल आप अपनी छिपे रिचार्ज। जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा सर तो हमें आपको बताना पड़ता है सर, ये हमारा काम है आपके लिए। अरे ना हमने रखा तुझे काम पे, आए देख फिर रमेश आए कर रहा है। अरे चाचा हमको दुला फूल आई कट्टूमर, अब फोन नहीं आना चाहिए। रमेशा मैं बाबू, तुमको दिक्कत क्या है फोन चाहिए बताओ हमको। अरे इतना तो थलकती भैंस ओए ओए नहीं करती है जितना तुम रिचार्ज के लिए फोन करते हो। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी, और अगर तुम्हारा रिचार्ज के लिए फोन आया तो अब हम सिम तोड़ देंगे। अरे ये काम ना ना कराओ तुम हमसे, नंगा ना चलो चौराहे पे यार।